भारद्वाज हाउस के दरवाजे पर किसने दी है दस्तक, जिसके पढ़ते ही घर में कदम झूम उठा है पूरा परिवार। ढोल नगाड़ों की थाप पर एंट्री मारने वाली ये मोहतरमा कोई और नहीं, जनाब आपकी फेवरेट बहू सिमर का किरदार निभाने आई नई एक्ट्रेस है। पिछले 6 साल से दीपिका कक्कड़ ने जिस रोल से लोगों के दिलों में जगह बनाई, उसी रोल को अब पर्दे पर निभाती दिखेंगी कीर्ति केलकर, जो काफी लंबे समय बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। बहू रानी सिमर का माताजी ने फिर से खुली बाहों के साथ किया भारद्वाज हाउस में वेलकम। हाँ, मैं ये कहूँगी कि सिमर एक बार फिर से तुम्हारा भारद्वाज परिवार और हाउस में स्वागत है। अपनी माँ को दोबारा पाकर सिमर की लाडली अंजलि, बहू रोशनी और बेटा पीयूष ने भी माँ के साथ जमकर लगाए ठुमके। अंजलि ने तो उस स्पेशल पल को सेल्फी लेकर कैमरे में कैद भी कर लिया। तो अभी जब मम्मा वापस आई है तो मैं सारा प्यार उन्हें देना चाहती हूँ जितना मैंने गुस्सा दिखाया है, तो इसलिए मैंने उनका बहुत जोरों शोरों से वेलकम किया। मोरओवर दैट बस बहुत खुश हूँ, सब लोग खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। बेटा पीयूष माँ को देखकर हो गया कुछ ज्यादा ही इमोशनल और माँ को दे दिया बेस्ट बेटा बनने का वादा। माँ हमेशा कहती है मैं उनका अच्छा बच्चा हूँ, तो मैं अब अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। वो वापस आ गए तो आई विल बी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। घर में नई सिमर तो आ गई, लेकिन पुरानी सिमर यानी दीपिका की जगह लेने आई नई सिमर के जहन में क्या क्या आया है इस दौरान, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। जहन में यही था कि भरा पूरा परिवार है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। सिमर के आने से भारद्वाज हाउस में होली से पहले ही हर तरफ बिखर गए हैं खुशियों के रंग, इसीलिए नई सिमर के पुराने परिवार ने रंग लगाकर किया उनका रंगीन वेलकम। मुझे बहुत ही वार्म वेलकम मिला, सो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू जॉइन द शो एंड जॉइन द फैमिली। सो आगे सिमर तो घर में सबकी चहेती है ही, लेकिन उसकी लाडली बहू रोशनी की जिंदगी में भी होली के रंग लगता है कुछ कमाल कर ही दिखाएंगे। कम से कम रोशनी को तो ऐसा ही लग रहा है। बुरा हाल बहुत सी मतलब चीजें हुई हैं घर में होलिका के टाइम, बट आई थिंक ऐसे होता है ना, जैसे नया दिन होता है तो नई शुरुआत होती है, तो ऐसे ही लग रहा है घर पे। बहुत क्यूट कॉन्वर्सेशन हुई है विद माता जी एंड हम लोग मतलब तैयारियाँ करने जा रहे हैं एंड मतलब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं मेरे दिमाग में इस होली को लेकर। रोशनी की इस खास प्लानिंग की वजह भी आपको बता देते हैं। रोशनी को जब पता चला कि पीयूष ने उसकी जान बचाई है तो वो हो गई कुछ ज्यादा ही इमोशनल और ना उम्मीद हो चुके अपने और पीयूष के रिश्ते में नजर आई उसे उम्मीद की एक किरण। वही ना, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि पीयूष जैसी मतलब पता चलता है कि माता जी बोलती हैं कि पीयूष अपनी जान पे खेल कर यू नो तुम्हें ऐसे गोद में लेकर आए हैं, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ एंड वी हैव अ वेरी आई मीन वी हैव अ डीप कॉन्वर्जेशन ऑल्सो अबाउट इट एंड मेरे दिमाग में ये है कि शायद अभी भी यू नो कहीं ना कहीं मेरा दोस्त मुझे वापस मिल सकता था। रोशनी की उम्मीद पूरी होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन नई सिमर के आने से ये तो तय हो गया है कि सिमर कितनी बार भी ससुराल से जाए, इतने भी मन मुटाव हो और भले ही सिमर के बच्चों तक की शादी हो चुकी हो, लेकिन ये अभी भी कहलाता है ससुराल सिमर का। मुंबई से विकास आदेश के साथ एंटरटेनमेंट डेस्क, न्यूज नेशन, मुंबई।